जल्दी। काव्या दूध पी लिया? हाँ। ये क्या कर रही है? ये मेरे साइज से भी आ गया। ये डॉल की फ्रॉक है, तेरे साइज के कैसे आ जाएगी? आ गया। मैंने इसको ऐसे उठा के बड़ा कर दिया। अब मेरा तेरा दिमाग खराब है क्या? दिखाइयो। हाँ। दिखा आ जाएगा। अरे रब्बा, इतनी अच्छी डॉल की फ्रॉक थी और तूने इसको फाड़ दिया। और ये तेरे कैसे आ जाएगी? तू ये मेरे बता, ये इतनी छोटी फ्रॉक है, बाप रे, ये इतनी डॉल को पहनाती थी, अब डॉल भी नहीं पहन पाएगी इसको। ये इतनी छोटी फ्रॉक है और तू इतनी बड़ी है, दिमाग है तेरे पास? ये देखो क्या कर रही है, डॉल की, ये डॉल की दिखा एक बार, दिखा। हाँ तो दिखा, सबको दिखाने दिखाने दे, मेरे को दिखा पहले एक बार, दिखा। तेरे अंदर लड़की दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। ये फ्रॉक डॉल की थी, ये फ्रॉक ये डॉल को पहनाती थी। एक बार दिखा, अच्छा एक बार दिखा तो मेरे को। तो ये फ्रॉक ना डॉल की थी, डॉल को पहनाती थी, एक डॉल थी इसके पास बड़ी वाली, तो वो ये इसकी तो नहीं है, ये दूसरी वाली की थी जो डॉल तूने तोड़ ताड़ के फेंक दी। तो इसका था ये, तो इसको ये क्या करने लगी, चुपके चुपके एक सोच रही खुद पहन लूंगी इस फ्रॉक को। और इसने देखो कह रही है मैंने फ्रॉक को बड़ा कर दिया, पूरा फाड़ दिया और खुद पहन रही है इसको। खुद तेरे आ जाएगा ये? तेरे कैसे आ जाएगा ये? छोटी छोटी फ्रॉक है, तेरे कैसे आ जाएगी? है काव्या, तू भी लड़की बेवकूफी है, थोड़ी दिमाग नहीं है तेरे अंदर, पता नहीं क्या करती रहती है तू, है लड़की। और बच्चों को मैंने नहला दिया है, बच्चे हो गए हैं रेडी। आज बच्चे कर रहे हैं छत पे जाने की जिद, तो आज बच्चों को मैं छत पर लेकर जाऊंगी, है ना बच्चों? और काव्या का फेस देख लो, कोकोनट ऑयल लगा के कैसा हो गया है ना? मैं चोटे कर रही हूँ अभी। क्या? मैं अभी बाहर सो जा रही हूँ। अच्छा क्यों, सॉल्व क्यों कर रही है? करूंगी नहीं, दर्द होगा। छत पे कौन कौन जाना चाहता है? मैं। कितने बजे जाएंगे हम छत पे? पता नहीं। 5 बजे चलेंगे, ठीक है, जब बिल्कुल धूप चली जाएगी। और ये लोग 3 महीने से घर से बाहर नहीं निकले हैं, बल्कि 3 महीने से भी ज्यादा हो गए। और ये जो रूम की दहलीज है इससे बिल्कुल बाहर नहीं निकले हैं। वो देखो घोड़ा। हाँ घोड़ा बताओ बैठा हुआ। तो बच्चे हो गए घर में बोर, बहुत ज्यादा शैतानी भी करने लगे हैं घर में, इनका मन नहीं लग रहा है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं इनको छत पर ले जाऊंगी। छत पर हम लोग जाते नहीं है क्योंकि हम लोग रहते हैं रेंट पर, और लैंडलॉर्ड्स भी जाते हैं छत पर। घर में ही पढ़े रहते हो? हाँ सही बोल रही है। वैसे कैसे भी मुझे वीडियो बनाना भी आती है। अच्छा इसको फ्रॉक पहना दी? ये तो मेरी अपनी बटोरी नहीं, वो बटोरी नहीं, वो अभी धोई है। और जो जी पहले आपने जो अब मैं खाने में बना रही हूँ, तोरी की सब्जी खा लोगे ना? जिसकी ये वाली फ्रॉक है वो दूर यहाँ आ गई, वो मैंने तोरी या फेंक दी थी, तोरी नहीं थी क्योंकि मैं जब मैं छोटी थी तो मैं वहाँ लेके सो रही थी, गिर गई क्योंकि वो जोड़ी थी और मैंने गिर गई नीचे। तो तेरे को जो भी खिलौना दिलाओ सब तोड़ देती है तू। मैंने तोड़ी नहीं वो, इसके नीचे दब गई। ठीक है, ये प्याज मैंने बाहर रखी थी तो बाहर से लेकर आई हूँ, खरीदी थी तो अंदर नहीं लेकर आती मैं कोई भी सब्जी। जब मैं लेती हूँ तो तोरी मैंने छील लिया, आज मैं बना रही हूँ तोरी। वैसे मैं पहले भिंडी ले रही थी लेकिन मैंने भिंडी नहीं ली फिर, और तोरी ही ले ली। तो आज बनेगी तोरी, क्योंकि हेल्दी खाना बहुत जरूरी है इस टाइम पर, इसलिए तोरी बना रही हूँ मैं, है ना काव्या? काव्या तो खा लेगी, काव्या की फेवरेट है ना? नहीं, काव्या की तो फेवरेट है तोरी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। खाना पड़ेगा, खाओ चाहे ना खाओ, जबरदस्ती खाना पड़ेगा। काव्या क्या कर रही है सुबह सुबह? काव्या लेकर बैठी है सुबह सुबह अपने खेल खिलौने, और बच्चों की लाइफ होती है सबसे अच्छी,
कुछ नहीं करना, इनको कोई टेंशन नहीं है, अपने गुड्डे गुड़िया खिलौने उठा लो और खेल में शुरू हो जाओ, है ना काव्या? कोई टेंशन है तेरे को काव्या? कोई टेंशन है? कोई टेंशन है तेरे को हैं? अरे बता ना, ये अभी अभी सोकर उठी है, बस ब्रेकफास्ट किया है इसने, है ना काव्या? इसके बाल हैं जो कंघी कर रही है? तोड़ दिया मैंने बाल। तो बाल तो है नहीं इसके, कंघी किसकी कर रही है? मैंने इसके बाल तोड़ दिए। तोड़ दिए? क्यों तोड़ दिए? गली से टूट गए, मैंने सोचा ये टूटी है, वो के तोड़ दिए। तो कंघी का क्यों कर रही है इसकी कॉम? बाल तो है नहीं इसके। अब ये क्या कर रही है? खुद तो नहा ही नहीं है, इसको तैयार कर ले तू। तो खुद मेरी है। तेरी है, लेकिन खुद भी तो नहाना धोना तैयार होना होता है, इसको तैयार करने लग गई। ये क्या कर रही है? शैम्पू लगा रही है। बाल है नहीं, शैम्पू लगा रही है। ये देखो डॉल को नहला रही है ये, और टूथपेस्ट में ये टूथपेस्ट, ये तो शैम्पू है, ये है पानी, रिमोट से पानी बना रही है शावर। इसका शावर नहीं है मेरे पास, हाँ इसलिए रिमोट। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बताना आप कमेंट बॉक्स में कि क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही खेलते हैं, ऐसे ही एक्टिविटी करते हैं बच्चे आपके? वो खेल रही है ना, उसको खेलने दे, निक्कू परेशान मत कर। चलो अब मैं जा रही हूँ काम करने, ये पलंग मेरे को उठाना है, ठीक है? पलंग उठाने जा रही हूँ। काव्या भाई ने करा था ये। किसने किया था? भाई। तूने किया है, उसका नाम लगा रही है ना? हाँ भाई ने ही करा था। कहाँ है निकू? निकू किसने किया था ये? भाई। बाहर निकल पहले, तुम्हें पता है पानी नहीं है घर में, क्या कर रहे हो ये सब? किसने किया था ये? काव्या ने पानी लिया और उसके बाद ये कह रहा है काव्या ने किया, वो तू कह रही है इसने किया। किसने किया सच बताओ? भाई। तू कह रहा है काव्या ने किया, ये कह रही है तूने किया है, कौन सच बोल रहा है? और झूठ कौन बोल रहा है? भाई। किसने किया सच सच बता दो। अब मेरे को कैसे पता चलेगा किसने किया है? नहीं, कितनी बार हाथ धोएगी इधर? कोई जरूरत नहीं हाथ धोने की, इतना पानी नहीं है बार बार हाथ धोने के लिए। तुम दोनों बस काम बिगाड़ते हो, कुछ नहीं करते। अभी घर में सफाई करिए, मैंने चीनी लेकर आई हूँ, पूरे घर का हाल देखो क्या क्या घर में बिखरा पड़ा है। कब इधर ये तेरी ड्रेस कैसे फट गई? बिल्ली ने फाड़ी होगी, बिल्ला आया था ना वो फाड़ के चला गया, तो इसके नाखून बड़े बड़े। बिल्ला कैसे फाड़ देगा तेरे कपड़े? पलंग के नीचे आया होगा। तो तू पलंग पर थी ना, पलंग के नीचे बिल्ला आएगा, तेरे कपड़े कैसे फाड़ देगा? कौन से पलंग पे थे? तू तो सो रही थी पलंग पे, कैसे फाड़ दिए तेरे कपड़े बिल्ले ने? तो ऐसे सो रही थी ना, ऐसे सो रही थी। कौन सो रही थी? ऐसे ऐसे मैं। और बिल्ला आया तेरे कपड़े फाड़ के चला गया, क्योंकि बिल्ला खड़े भी हो गया था। और तेरे को पता नहीं चला कि बिल्ले ने तेरे कपड़े फाड़ दिए? कितनी बातें बना रही है काव्या, तू कह रही है मैं सो रही थी और बिल्ला आया कपड़े फाड़ के चला गया मेरे, मेरे को पता ही नहीं चला कि बिल्ले ने कपड़े फाड़ दिए, झूठी कहेंगी है ना? इतना झूठ क्यों बोलती है तू, है काव्या? ओवर एक्टिंग की दुकान, ड्रामेबाज है तू, तू भी पूरी की पूरी ड्रामेबाज है, पूरी नंबर वन की ड्रामेबाज है तू लड़की। लगाना है निकू किस पे लगाना है?
अच्छा ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, इनको लगाना है अलग अलग चैनल्स पे, तो देखना दोनों को कार्टून ही है लेकिन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट देखना है। उसको देखना है 507, इसको देखना है कौन सा 501, इसको 501 देखना। 501 पे क्या आता है? बद्री और बुद्ध। इसको बद्री और बुद्ध आता है। 507 पे क्या आता है निकू? मोटू पतलू। तो दोनों को अलग अलग देखते हैं। बताओ घर में एक ही टीवी है, बच्चे दो हैं, तो क्या किया जाए? अब बताओ किसके चैनल पे लगाया जाए, कैसे होगा? अब मैंने टीवी ऑन किया था लगाने के लिए और निकू ने टीवी ऑफ कर दिया, कह रहा है कि नहीं लगाना। दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि कौन सा चैनल लगाया जाए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके घर में कितने बच्चे हैं और कि आपके घर में भी बच्चे, कि आपके घर में भी बच्चे एक ही चीज के लिए दोनों लड़ते हैं या फिर सेटलमेंट हो जाता है। भाई मेरे घर में तो सेटलमेंट नहीं होता, और होता भी है तो बहुत लेट होता है, बहुत देर में होता है।